गोहाना में पुरानी अनाज मंडी स्थित माथुराम हलवाई दुकान पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी को लेकर सोनीपत के पुलिस कमिश्नर सतीश बालन ने सोनीपत में मिनी सचिवालय में स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थाना शहर गोहाना पुलिस द्वारा तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपी दीपक स्वामी रामदिनेश उर्फ दिनेश सिकंदरपुर माजरा जिला सोनीपत तथा दीपिन सांघी जिला रोहतक के रहने वाले हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। फायरिंग मामले में गोहाना में एक दिन का बंद रखा गया था, जिसके चलते व्यापारी वर्ग ने कहा था कि 6 दिन के अंदर पुलिस ने अगर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो पूरे प्रदेश भर के व्यापारी सड़कों पर होंगे और प्रदेश भर में बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर पुलिस ने SIT की टीम गठित की थी। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस ने तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर गोहाना में खरखोदा रोड पर मौजूद थे। पुलिस ने जहां तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रोहित छपार व अन्य आरोपियों से मिलकर इस घटना के लिए पहले रेकी की थी। आइए सुनते हैं सोनीपत के पुलिस कमिश्नर सतीश बालन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। जैसे आप लोगों को पता है कि 10 दिन पहले एक घटना घटी थी गोहाना में और गोली चलाई एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पे। उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करके ये DCP गोहाना जो भारतीय दबास है इनके अंदर 4 टीम्स ने अपने अपने काम किए हैं, जो बहुत मेहनत किया उन्होंने। सो मेहनत से शुरुआत में ही पहले 2 दिन में ही इनको लीड मिली है और उस पर जहाँ जहाँ गए थे उस सबको इन्होंने ट्रैक किया है। ट्रैक करने के बाद उन लीड्स पे काम करके तो पहले एक लड़के को गिरफ्तार किया गोहाना DCP गोहाना और उनके टीम ने, तो वो नाबालिग था। सो उसका नाम हम नहीं रिवील कर सकते। ओके, भूमिका बताएंगे हम सबको। ओके, और एक बार मेरे को बोलने दो उसके बाद। तो ये सो पहले एक लड़के को हमने गिरफ्तार किया है और उसके बाद अब हमने कल शाम को जो करकोदा रोड है और जो भगवाना में जो करकोदा रोड है जो रोहतक बाईपास पे, वहाँ से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तो वो ये एक मोटरबाइक से 3 सवारी थे, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन जब वही जो पहले भारतीय और उनके टीम ने जो मेहनत किया उसी का फल कल मिला है। जो उस बाइक में एक पर्टिकुलर निशान था, उस निशान को पहचान लिया उन्होंने। उसके बेसिस पर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, थोड़ी से भागे लेकिन उन्होंने पीछे लग के पकड़ लिया था। तो उनका नाम इस प्रकार है कि एक लड़के का नाम दीपक स्वामी है, सन ऑफ करण सिंह, और दूसरे का नाम राम दिनेश उर्फ दिनेश है, और राम दिनेश उर्फ दिनेश पुत्र ये फुल कुमार है। ये दोनों सिकंदरपुर माजरा गांव के हैं, वहीं जस्ट गोहाना से निकलते ही जो पहला गांव है। सो तीसरा लड़का है दीपिन और ये सांगी गांव का लड़का है। ये 3 लड़कों को बाइक पे पकड़ा है। वो वही बाइक है जो इस्तेमाल हुआ था गोहाना के जो वारदात में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने इनको रात भर जो भी इंटरागेट किया है DCP गोहाना और उनके टीम ने, उससे कुछ बात मतलब कम्प्लीटली इन्होंने अपनी बात तो बोला ही है और आगे भी कुछ नाम इन्होंने बोला है कौन कौन इसमें शामिल थे। और ये वारदात के पहले प्लान से ले कर सो फायरिंग तक ये शामिल थे, ये 3 लड़के। ठीक है, तो ये 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है और नाम इन्होंने रिवील किया है। स्पेशली एक रोहित है जो चपार गांव का है, उसका नाम आया है। हमें उम्मीद है कि सो वो जल्दी ही गिरफ्त में आएंगे, हमारे गिरफ्त में आएंगे। और भी जो इस पे 2 या 3 रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट एक्यूज्ड है, सो उनके पीछे भी टीम लगी हुई है। हमारी उम्मीद है कि विद इन मतलब शॉर्ट टाइम वी विल बी एबल टू अरेस्ट देम। सो में ये SP/STF अपने बात बताएंगे, वो थोड़ी सी इसके साथ लिंक्ड है। ओके, पूरे तरफ से नहीं है, उसी ग्रुप के आदमी है लेकिन इस पे डायरेक्टली शामिल नहीं है। लेकिन वो जो रोहित के साथ जो इंटरलिंक्ड है, जो रोहित है और वो 3 जो है और ये 3 इन दोनों के बीच में खड़ी है, जो लिंक है वो रोहित है। सर, जो दोनों को जानकर पकड़े हैं गोहाना में, क्या इन्होंने फायरिंग की थी मथुरा की दुकान पे? जी, जो फायरिंग की थी इन्होंने की थी, आप किसी और ने? ये वैसे नहीं, किसी और नहीं ना, भूमिका इनकी जो वो कोई अब
हम ये कर रहे हैं यहाँ पे पीसी कर रहे हैं, जो हम एसटीएफ कुछ काम कर रहे हैं, हमका मतलब तो पकड़ने से है ना, जो भूमिका किसकी क्या है वो हम कोर्ट को बताएंगे, ठीक है। ये प्रथम पूछताछ में यह आई है कि ये पूरे वारदात में योजना रेखी करना, ओके, फायरिंग में मतलब इनके उस मौके पे फायरिंग हो या ना हो, लेकिन वो उस मौके पे थे, लेकिन वो प्राइमरली वो वहाँ पे नहीं थे। सो ये पक्का, ये पूरे जो प्लानिंग और पूरे जो घटनाक्रम है उस पे ये इम्पोर्टेंट पहलू थे ये तीनों। जी सर, इन्होंने प्राथमिक जांच में कुछ बताया कि किस कारण वहाँ पे फायरिंग हुई थी? कोई ये तो ऑब्वियस है ना, गैंग जो भी फायरिंग करेगा तो किसी दुकानदार के दुश्मनी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। सो एक ही पर्पस होता है जो आप लोगों को पता ही है, तो वो तो हाँ जी रंगदारी। हाँ जी, ये तो इनका रोल तो मैंने आपका बता दिया, ओके ना, जो वो आप सब लोगों को पता है, अगर बदमाश आके किसी हलवाई की दुकान पे गोली मार दे तो ये ही पर्पस होता है, ठीक है, वो पर्पस जानते ही, और जो आप कह रहे हो वही है। सर, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक डर है सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इस गैंग, इस जो पूरे नेटवर्क है इसको तो हमने तोड़ दिया है, सिर्फ दो लड़के तीन लड़के बचे हुए हैं। सो इनके सवाल का जवाब दे दूंगा पहले, तो ये इस गैंग का तो जो मेन करता धरता है वो हमें उम्मीद है कि वो आजकल में पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो और जो इनका पूरा नेटवर्क है जिससे ये करवाते थे उसको हमने तोड़ दिया। हाँ, ज़रूर यह है कि तीन लोगों की गिरफ्तारी अभी बकाई है, ओके, जिन्होंने वहाँ पे मौके पे थे, ठीक है ना, तो वो उनको उनके लिए भी हमारे टीम्स लगी हुई है, उम्मीद है कि उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। इनको विदेश से भी कोई इंस्ट्रक्शन कुछ मिला? हाँ जी, कुछ विदेश से वो सब कुछ तफ्तीश की बात है, ठीक है, तफ्तीश चल रही है, उस पर सारी बातें जो आएंगी तो उसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तीन और एक नाबालिग, इन पर पहले कोई मुकदमा दर्ज था सर? क्या जो तीन ये जो अभी गिरफ्तार किए हैं, हाँ, इसमें दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ठीक है, वो नाबालिग और इसके तीसरे एक और आदमी के खिलाफ नहीं है, एक दिपिन और एक जो नाबालिग है इनके खिलाफ कोई मुकदमा अभी नहीं है, लेकिन ये तो बढ़ा है, 307 का मुकदमा है, तो पहले भी इनमें से एक का 307 का है, एक और एक दूसरे का एक और केस भी है, लेकिन ये दिपिन और वो जो नाबालिग के खिलाफ कोई केस नहीं है। एनीथिंग एल्स? इन लड़कों से जो प्रारंभिक जांच पूछताछ हुई है उस पूछताछ में एक चीज़ क्लियर हुई है कि एक रोहित नाम का लड़का है जो कि झज्जर का रहने वाला है, वो इस घटना के पीछे मुख्य तौर पे सब लोगों को इकट्ठा करने में, हथियारों को इकट्ठा करवाने में, और वो खुद भी गोहाना में उस दिन मौके पे था, और जिस गाड़ी को हमने बरामद किया वो गाड़ी चला के लेके आया था, तो वो गाड़ी और वो लड़का हमने राउंड अप कर लिया है। उसके आगे पूछताछ के द्वारा जो बाकी शूट करने वाले लड़के थे उनके नाम हमें पता है अभी, मगर उनको गोपनीय रखेंगे, तो इनकी खुलासा रोहित ने किया है। रोहित के ऊपर क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हमारे इसकी नाम नॉलेज में था, इस लड़के की तलाश भी चल रही थी, इस गाड़ी की तलाश भी चल रही थी, तो मल्टीपल फ्रंट से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे हम लोग तलाश कर रहे थे, तो रोहित को हमने राउंड अप कर लिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और उसको रोहित पर कितने अपराधी? 12 रोहित के ऊपर, रोहित अभी सितंबर 2023 में झज्जर जेल से छूट के आया था, और इसके खिलाफ पहले आपराधिक इतिहास रहा है इसका, वो हम आपको शेयर कर लेंगे कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं। कहाँ का रहने वाला है ये रोहित? रोहित माछरौली थाना है झज्जर में, उसके छपार गांव का रहने वाला है। सर पूरे हम ये क्या कहते हैं सर, पूरे मास्टरमाइंड यही था सर, पूरे जो माथुराम के गोलियां चली हैं इकट्ठे हुए सर? अभी तक तो यही समझ में आया है, क्योंकि इसके संपर्क से ही जो लोग लड़के बाकी तो तीन शूटर हैं, और ये तीन, ये लड़का चौथा, ये मौके पे और ये मौके के आसपास और हथियारों के साथ में और गाड़ी के साथ में ये लोग इकट्ठे आए थे, उसके बाद अलग अलग मोटरसाइकिल से और गाड़ी से लोग अलग अलग हो गए थे, तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बाकी शूटर को भी पता है, उनके लिए टीमें डिस्पैच हुई हैं, जैसे वो अरेस्ट हो जाएंगे तो चीज़ क्रॉस वेरीफाई होकर एक्चुअल सच निकल के बाहर आ पाएगा। थैंक यू। एक को तीन को गिरफ्तार किया गया सर, क्या सूचना थी, किस किस मामले में इन्वॉल्वमेंट में मिली प्राथमिक जांच में, क्या क्या नाम है सर? ये कल शाम की बात है, शाम को एसटीएफ को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि खरगोदा और बड़ौना जो गांव की तरफ रोड जाता है, इस रोड पर कुछ संदिग्ध 3-4 व्यक्ति एक गाड़ी में हैं और उनके पास में असले हो सकते हैं। इसी की सूचना पे एसटीएफ की टीम जो एसआई रामनिवास की नेतृत्व में मौके पर गई थी, उसी टीम ने जाके जब उनको तलाशी लेने की कोशिश की तो वो तीनों लड़के उसमें से उतर के भागे, और उनके वो जब भागने के दौरान उन पीछे मुड़ते हुए फायर किए उन्होंने, पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया और उन दो लड़कों को गोली
लगी थी और उसको तुरंत अस्पताल ले गया था। क्या क्या नाम है उन लड़कों में से? दो लड़कों के नाम जो आइडेंटिफाई हुए थे, एक तो उनमें इनामी बदमाश जिसके बारे में हमें सूचना थी कि साजिद खान हो सकता है, ये हिसार से, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, 8,000 रुपये का, 8,008 मुकदमे इसके पास हैं और ये करीब 1.5-2 साल से फरार चल रहा था। इसके साथ में एक सौरभ नाम का दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, ये फरीदाबाद का रहने वाला है और इसके खिलाफ भी 8 मुकदमे हैं। इसके अलावा तीसरा लड़का एक जतिन नाम का लड़का जखौदा गांव का रहने वाला है झज्जर में, उसको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 पिस्टल करीब 30 राउंड पुलिस को मिले हैं। इनमें से 4 में से 2 पिस्टल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं जो कि फॉरेन मेड हो सकते हैं, इसके पुलिस इसके बारे में पुलिस जांच करेगी ये हथियार यहाँ पे इनके पास में कैसे आए। सर इनसे जो पूछताछ जी माथुराम के वहाँ जो गोलियाँ चली हैं उसमें कोई लिंक है का क्या लिंक है? जो कि इनके पास जो गाड़ी मिली थी, जिस गाड़ी की हम लोग तलाश भी कर रहे थे, उस गाड़ी में पर्टिकुलरली हमें दूसरे सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला था कि एक गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है, ये गाड़ी दिल्ली से लूटी गई थी और इन लड़कों के पास में ये गाड़ी मिली है। और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में ये द्वारका के इलाके में एक आदमी को गोली मारने के लिए इनका प्लान बनाया जा रहा था और इसी के दौरान योजना को अगले दिन को शायद अंजाम दिया जाना था। इसकी पूरे में पूछताछ चल रही है कि वो आदमी कौन है, किसको गोली मारने का वो था, दिल्ली में कहाँ से गाड़ी चोरी हुआ, इसके बारे में भी जांच चल रही है कि पर्टिकुलरली ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई है और किन किन मुकदमों में किस जगह हुई है। अभी इन तीनों लड़कों से क्योंकि इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था तो डिटेल से अभी पूछताछ हो नहीं पाई। वही दो अन्य के क्या क्या नाम है, दो अन्य जो और हैं इसके अतिरिक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी नाम, उनके पर कितने मुकदमे हैं? इस क्योंकि इस मुकदमे में जो इन चार ये तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका गाड़ी का जो मैंने आपको बताया कि गाड़ी पहले ये गोहाना में जो बहुचर्चित गोली चली थी उस कांड में भी शामिल थी, तो ये लड़के पकड़े गए हैं। इन लड़कों ने कुछ आरोपियों के नाम बताए हैं जो कि इस घटना के पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तो उन्हीं लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया है और उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। उससे डिटेल पूछताछ होने के बाद में इस पूरे प्रकरण के बारे में हमें डिटेल से पता चल सकेगा और बाकी कुछ लोगों के नाम भी जो कि मुख्य शूटर थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सर किसी गैंग से जुड़े हुए सर साजिद है, किस गैंग से जुड़ा हुआ था ये साजिद? सर यहाँ मौजूदगी का क्या कारण था कल इनको? किसी गैंग से जुड़े हुए मैंने आपको बताया ना कि ये योजना बना रहे थे दिल्ली में एक अपराध को अंजाम देने की। एक आदमी है जिसकी हम आइडेंटिटी को गुप्त रखना चाहेंगे जिसके ऊपर इनको। साजिद किस गैंग से जुड़ा? गैंग से किसे जुड़े हुए साजिद? ओरिजिनली जो है गैंग की हम बात नहीं करेंगे, मतलब ये विनोद पानू गैंग से संबंध रखता है जो अभी तक पूछताछ का संबंध है। सौरभ किस गैंग से संबंध रखता है? सौरभ के फरीदाबाद में जो अपराधिक गतिविधि हैं वो अभी तक तो हमें जो पता चला है वो शक है वो नीरज के संपर्क में है, तो इनके लोगों के पीछे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और अभी एस्टेब्लिश नहीं। एक मिनट जी, जो जतिन है ये बाबू गैंग से जुड़ा हुआ है? हम अभी इन चीज़ों का एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जतिन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। सर क्योंकि भाव गैंग ने ही धमकी दी थी सर, जो 2 करोड़ रुपए की जो भाव गैंग का लेटर मिला था सर, तो ये सभी के सभी भाव गैंग से जुड़े हैं। ये क्योंकि लड़के अलग अलग जगह के हैं और इनका साथ में इकट्ठा होना किसके पीछे होना, गैंग के बारे में हम लोग अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का है, इनके डिटेल से इनको इंटरोगेशन होना है, ये इकट्ठे कैसे हुए, हथियार कहाँ से आए और दिल्ली में कहाँ जा, ये अब इनको पेश किया जाएगा कि तीनों को पहले गिरफ्तारी डाली गई है, पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया गया, एसटीएफ की और सोनीपत कमिश्नरेट की जो पुलिस टीम है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। सर विदेश में संपर्क तो नहीं, क्योंकि विदेशी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस गिरफ्तारी के बाद भाव गैंग की तरफ से फेसबुक पोस्ट भी डाली गई है कि हमारे साथियों का कुछ हुआ तो इस तरीके का कुछ, ये मामला है आपके संज्ञान? ये मेरे संज्ञान में नहीं, सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है और उसकी तरफ से ये पोस्ट की गई है जो खरखोदा में जो रात को मुठभेड़ हुई है उस मामले को लेकर पोस्ट डाली गई। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट ये अलग बात है कि जब से ये घटना हुई है घटना के बारे में सोनीपत पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार इनकी तलाश में, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब ये जो पूरी प्रकरण है गोहाना में जो गोली चली थी इनके पीछे कौन लोग हैं और ये मुख्य तौर पर शूट करने वाले लोग कौन थे, गोली चलाने वाले, आतंक फैलाने वाले, इन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके लिए टीमें अलग अलग जगह जगह पर रेड कर रही हैं। एसटीएफ की सोनीपत और रोहतक की टीमें, पर्टिकुलरली हिसार की टीम और मतलब सोनीपत कमिश्नरेट की और गोहाना की सारी टीमों का 8-10 टीमें साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पर कार्रवाई कर रही हैं, काम कर रही हैं। थैंक यू।